अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम्स। देखिए, हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम एस है। मैं इधर एक इस तरह एक बना देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक इधर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कुछ इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इधर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये एस फ्रेम है और ये एक्स को कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है, दीज चार्जेस आर स्टेशनरी चार्जेस है, स्टेशनरी चार्जेस मींस कि ये मूव नहीं कर रहे, ये बिल्कुल स्टैटिक है। तो अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम, एक एस फ्रेम है और एक मेरे पास एक एस प्राइम है, मतलब एक एस फ्रेम और एक एस प्राइम है जो इधर एक ऑब्जर्वर कर रहा है, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम, एस फ्रेम के मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। देखिए, ई परपेंडिकुलर, ये हमें पता है कि ई परपेंडिकुलर लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और ई पैरेलल जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर जो हमने कैलकुलेट किया था एम्पियर्स लॉ से, बी पैरेलल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन वो उस केस के लिए वैलिड है जब करंट हो। करंट कब आ जाएगा, जब चार्जेस मोशन में आ जाते हैं तो करंट आ जाता है, जब करंट आ जाता है तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो फिर ये तो वैलिड है। लेकिन अब इस केस में ये है कि चार्जेस रेस्ट पे है, अगर चार्जेस रेस्ट पे है तो कोई करंट नहीं होगा, अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब यह है कि बी पैरेलल जो है ये भी जीरो हो जाएगा इस केस में, और बी परपेंडिकुलर ये तो ऑलरेडी जीरो ही है। तो ये तो है, दिस इज अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम। बट व्हाट अबाउट एस प्राइम फ्रेम, मतलब ये जो फ्रेम है, ये जो ऑब्जर्वर है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो ये भी हमने फाइंड किया था कि ई परपेंडिकुलर प्राइम ये गेमा लेमडा के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एंड एप्सिलॉन नॉट, और साथ साथ ई पैरेलल जो है वो जीरो है, और बी परपेंडिकुलर जो है वो भी जीरो है, लेकिन प्राइम, ये प्राइम है प्राइम, क्योंकि एस प्राइम फ्रेम की बात हो रही है, और बी पैरेलल जो है, नहीं एक मिनट, ये बी परपेंडिकुलर प्राइम ये जीरो है, लेकिन बी पैरेलल प्राइम ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब ये तो वेल नोन है, लेकिन व्हाट अबाउट बी पैरेलल प्राइम, अगर ये मूव कर रहा है बी वेलोसिटी के साथ और ये बी पैरेलल को मेजर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर हमारे पास ये क्या होना चाहिए। देखें, डेफिनेशन हमारे पास जो बी पैरेलल प्राइम है, ये मेरे पास म्यू नॉट आई प्राइम होना चाहिए, 2 पाई आर। अब ये है इक्वेशन वन, लेकिन व्हाट अबाउट आई प्राइम, ये क्या होगा। देखिए, आई प्राइम जो है ये मेरे पास चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर है, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनके साथ जो रिलेशन है क्यों का, वो लेमडा प्राइम एल है डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि लेमडा प्राइम पे इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर वो मोशन में है तो उनको ये लगेगा कि ये चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, तो आई करंट, ये जो आई प्राइम है ये मेरे पास बराबर हो जाएगा
ये लेमडा प्राइम जो है ये गेमा लेमडा के बराबर है, और एल डिवाइडेड बाई टी जो है ये वी के बराबर है, लेकिन वी माइनस वी के बराबर है। क्यों माइनस वी क्यों? देखिए अगर फर्ज कर ले एक ऑब्जेक्ट है, मैं रेस्ट पे खड़ा हूं, ये जो है ये रेस्ट पे है, और एक और ऑब्जर्वर है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, तो वो जब मुझे देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसी वजह से ये माइनस वी उधर से आ रहा है। तो मतलब यह है कि आई प्राइम जो है दिस इज इक्वल टू माइनस गेमा लेमडा वी के बराबर है। अब इधर पुट कर ले इक्वेशन वन में, तो इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट बी पैरेलल प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस गेमा लेमडा म्यू नॉट वी डिवाइडेड बाय टू एंड पाई एंड आर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जर्वर विच इज इन मोशन।